फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है आप अपने फोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है आप अपने फोन में किसी भी ऐप का यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर में काफी सारे क्लाउड ऐप स्टोरेज ऐप अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है आप अपने फोन से फालतू का डेटा हटा देंगे तो इससे फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि फोन से फालतू का डेटा हटा के फोन का स्टोरेज आप कैसे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को आपको बंद कर देना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूं। गैलरी में देखिए सबसे ऊपर एक प्रोफाइल पिक्चर होती है, प्रोफाइल पिक्चर टैप कर लिया, आपका ये पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है। तो बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है तो इसके ठीक नीचे यहाँ पे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा हुआ दिखाई देगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है ना, उन सभी ऐप में भी बैकअप सेटिंग को आपको इसी तरीके से बंद रखना है, ठीक है। एक काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन की जो गैलरी है ना, मोबाइल फोन की गैलरी में आपकी जितनी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट करनी है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके फोन में जितने फालतू के ऐप है ना, यानी जिन ऐप को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के ऐप को भी अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अब देखिए आखिरी काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको यहाँ पे तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन को आप सेटिंग पेज ओपन करिए। इस सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करेंगे तो ये पेज आता है, इसमें सबसे ऊपर ये रीसेट सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको नीचे ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जो भी बाकी का बचा हुआ डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपके फोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है।